जो अभी तक की राजस्व वृद्धि सितंबर में हुई है कि पिछले वर्ष से ये राजस्व वृद्धि लगभग समानांतर या हो सकता है ज्यादा ही आए। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक मंडली बैठक में हर जिलाधिकारी हर कमिश्नर से ये निर्देश दिया कि जितने मद में जो राजस्व संग्रह का कार्य है उनकी एक एक चीज की प्रत्येक समीक्षा करें, और उन्होंने ACS राज्य कर को भी निर्देशित किया है कि पूरे विभाग को एक्टिवेट करें, लोगों को ट्रेन करें कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं व्यापारियों के लिए और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने कहा है कि वो स्वयं भी अब जल्दी ही समीक्षा करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्टार्टअप योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को मिले, बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाकर कार्रवाई हो, MSME इकाइयों का सुदृढ़ीकरण उनको स्थापित करने में मजबूती से कार्य हो, यह निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहली इन्वेस्ट यूपी की उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता की। आप सबके संज्ञान में है कि इस आयोजन में सभी निवेशक उद्यमी उद्योगपति का उन्होंने स्वागत और अभिनंदन किया। ये वर्चुअल माध्यम से जो बैठक थी ये एक अनूठी बैठक थी, क्योंकि ये पहली बैठक भी थी और अनूठी बैठक भी थी, और इस बात का भी एक विशेष इस पर बैठक पर का जो है इसकी खास बात ये थी कि ये बैठक प्रदेश सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वितीय स्थान के आने के बाद की उद्योग से संबंधित पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री जी ने आज ये कहा कि उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा देश का जो GDP है उसका 8% यूपी से आता है। मुख्यमंत्री जी ने 24 करोड़ की जनसंख्या को जो है आगे ले जाने के लिए इसके 56% जो कामकाजी जनसंख्या है इसका हुनर बढ़ाने और रोजगार के प्रति विशेष रूप से बल देते हुए आज ये बैठक आयोजित की है, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जहां पर हर प्रकार से परसेप्शन अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा चाहे वो लघु उद्योग के क्षेत्र में हो चाहे वो बृहद उद्योग के क्षेत्र में हो, रोजगार बढ़ेगा, इस ओर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया है। आज ये बहुत ही सफल बैठक उन्होंने आयोजित की है और उत्तर प्रदेश के निवेश पोर्टल जिस जो पूरी धुरी है इस पूरे कार्यक्रम की सिंगल विंडो सिस्टम की उसको और मजबूत करके ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से लोगों की सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं एट अ क्लिक ऑफ द बटन सुनिश्चित करने का निर्देश आज उन्होंने दिया है। गृह विभाग की सूचना के अनुसार 2,28,592 FIR अब तक दर्ज हैं, 4,30,995 लोगों को नामजद किया गया है, 73,200 वाहन सीज किए गए हैं, 83,10,00,000 रुपए शमन शुल्क जमा है और 924 FIR इसी एक्ट की अब तक दर्ज कर दी गई है। फेक न्यूज के मामले में 2,621 मामले संज्ञान में आए हैं, पिछले 24 घंटे में 14 मामले संज्ञान में आए हैं और फेक न्यूज के मामले में 105 FIR भी दर्ज की गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जो उन्होंने घोषणा की है उसके लिए प्रथम बैठक जो है कल 12 बजे दिन में 5 कालिदास मार्ग पे बैठक करेंगे। इसमें नामी ग्रामी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं और फिल्म से जुड़े हुए सभी मानिंद लोग हैं, सिंगर्स हैं, उनको सबको जो है बुलाया गया है, आमंत्रित फिल्म बंधु की तरफ से किया गया है और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कुछ आएंगे, कुछ फिजिकल मीटिंग के माध्यम से आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका स्वागत करते हुए कल इस बैठक को आयोजित करने का निर्देश दिया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5:30 बजे सभी आयोग के अध्यक्ष, सभी जो भर्ती बोर्ड हैं, सभी जो रिक्रूटमेंट के संदर्भ में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी के वरिष्ठतम अधिकारियों को और उन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को बुलाया है जहां भर्तियां होनी है। आपको मालूम है कि 3,00,000 से अधिक प्रदेश सरकार ने 3 साल में
भर्तियां की हैं, आगे भी जो है लगभग 86,000 से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। कुछ भर्तियों का रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। शिक्षा विभाग में 31,365 जो है शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों का चयन जो है बहुत ही जल्दी होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी जो है कतिपय लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये एक पूरे अभियान के तहत उन्होंने आदेश दिया है कि आज बैठक आयोजित की जाए। आज शाम को 5:30 बजे बैठक है, जिसमें प्रत्येक विभाग का रिव्यू होगा, जहां जहां जो है भर्तियां हो रही हैं, और उसके अभियान के तहत अगले 3 महीने में इनके कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए और अगले 6 महीने में भर्तियों को पूरा करते हुए ये कार्य का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से निवेदन करूंगा कि वो जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी और पूरे कोविड अभियान की जो पूरा लड़ाई है उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करें। थैंक यू। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,703 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में 6,320 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, अर्थात जितने लोगों को संक्रमण हुआ उससे 1,600 से अधिक व्यक्ति जो पहले से संक्रमित थे उपचारित होकर वो अपने घर गए।